कैमरा कैसे है कितने का? You're a superhero. तो दोस्तों हम मार्केट पहुंच चुके हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस मार्केट का नाम क्या है। इस मार्केट का नाम है रघुवीर नगर मार्केट, जिसे पटरी मार्केट भी कहते हैं। यह सुबह 6 बजे से लगना स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे लगी रही है, तो सोचा हमने कि आपको बता देते हैं तब तक कि हम कहाँ पे हैं। और यहाँ पे आने के लिए आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रजौरी गार्डन पड़ेगा, जहाँ से आपको 2 किलोमीटर पड़ेगा। और टैगोर गार्डन से भी आप आ सकते हैं, टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन, यहाँ से भी आपको 2 किलोमीटर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ का मार्केट कैसा है और क्या विशेषताएँ हैं यहाँ की, और यहाँ पे सामान कितने रुपए में आता है, और ये इतना मशहूर क्यों है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मार्केट में घुसने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे चोरी का सामान भी मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं करने देते इतनी आसानी से। तो हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो एक लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि आप ऐसी वीडियो आगे भी देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों मार्केट में घुसते हैं। यह है दोस्तों घोड़े वाला मंदिर। जब आप लोकेशन यहाँ डाल के आएंगे, तो आप घोड़े वाला मंदिर डालेंगे तो आप डायरेक्ट यहीं के आगे पहुँचेंगे। बिल्डर क्वालिटी देखो कितनी बढ़िया है, नया मॉडल है भाई। कैमरा सही है, पॉइंट सही है, अगर चल जाए तो मस्त है। ले जाओ, क्या लोगे बता दो। ऐसी क्या चीजें जो नहीं बनती है? ये कैमरा कैसे कितने का दिए? 400 रुपये का। देख रहा हूँ अभी, कैमरा तो बढ़िया है, लेकिन कैमरा बढ़िया है, चल रहा है, रेड डालनी है इसमें। कितने डालती कितने का है? 4,000 रुपये चलता है। घर के लिए पंखा ले सकते हैं छोटा सा। चालू है भाई सारा कुछ।
हेडफोन वगैरह वगैरह मिल गया था। क्या जरूरत थी वो क्या तो सही है बोलने बोलने से मिलेगा फोन कहाँ से है? इसके? और वही है ना बिना चलाए नहीं दे सकते ना कितने का भैया यार तेरे को लेने अबे माउस से करेगा तो बहुत बढ़िया बनता है 100 रुपये में माउस है कंडीशन बढ़िया और किस कंडीशन है इसकी ये कितने का भैया ये कितने का चार प्राइस क्या प्राइस 4000 रुपये है हाँ क्वालिटी तो बढ़िया है चल भी सही रहा है ये वाला पकड़ना है आप जी मिलेगा भाई कंडीशन बढ़िया भाई किसी को देने के लिए लेना हो तो बढ़िया है अगर खत्म है पूरा मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है साफ स्पीकर है ना ये हाँ कंप्यूटर वाले हैं भगवान 1500 का दिखाना भगवान क्या चालू भाई साहब 2000 सुबह में 3.5 महीने दिया बोनी के टाइम 3000 तो लग गए ये तो बोनी करनी है कितने का 3000 है भाई साहब 2500 का एक प्लेट का पानी की डब्बे ये भी चालू है बिल्कुल ओके है क्या ले रहा क्या नहीं ले रहा क्या दे
हाँ भाई, चार्ज करना पड़ेगा यार, तुम तो बोल दिया चार्जिंग कनेक्ट करने में लगा है, चार्ज करना पड़ेगा 15-20 मिनट। मतलब यार जबरदस्ती नहीं है कोई, इतना तो समझदार है यार, ये सोच रहा कि मैं चूतिया होकर 50 रुपये में मैं चार्जिंग करके कनेक्ट करके दूंगा। कितने की है? 6000 पीस पड़े हैं, 6000 पीस 50 रुपये। दोस्तों मुझे एक भाई मिले हैं यहाँ पे, जिन्होंने मुझे ये फ़ोन दिखाया है, यह है सैमसंग का नोट 10 प्लस। भाई इसके 4000 मांग रहे हैं, बिल्कुल अच्छी कंडीशन है देख लीजिए, बस दिक्कत यह है गाइस कि ये चोरी का फ़ोन है तो इसलिए हम इसे ले नहीं सकते, अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और कंडीशन भी बहुत अच्छा है इसका। तो कुछ कम नहीं करोगे भैया? पढ़ने के लिए दिया है कि चोरी के फ़ोन होते हैं गाइस, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि इस तरह के फ़ोन आप अपने ही रिस्क पे लीजिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ मार्केट में एक सीन भी हो गया था अभी, जिसमें एक लेडी थी और उसके साथ एक बंदा था, उन्होंने दोनों ने मिलके एक बंदे से यहाँ पे मोबाइल ख़रीदा, जिसके आवार पर उन्होंने 2300 रुपये बताई, लेकिन असल में वो एक डबी फ़ोन था और जल्दबाजी में उन लोगों ने देखा नहीं। उसके बाद में जब तक उस बंदे को पता लगा तब तक वो पैसे दे चुका था, बट जब दोबारा उस बंदे के पास हो गया तो दोनों में लड़ाई हो गई और वो जो बंदा था जिसने फ़ोन बेचा था वो उसे हमेशा साइड में ले जाने की बात कर रहा था, बट वो बंदा डर गया था बहुत ज़्यादा और भाग गया वो। और अच्छा ही है फ्रेंड, क्योंकि अगर वो चला जाता साथ में तो वो उसको बहुत मारते, ये लोग यहाँ पर ऐसे ही होते। तो कभी भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको पहला भी बताया, कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लें और देख के लें, और ना ही लेंगे तो अच्छा है, बाकी अपने रिस्क पे काम कीजिए और कभी भी इस तरह के लोगों के साथ मत पड़िए, इन लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो आपको लूटना चाहेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।